बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत पीटीआई ने गरीब लोगों को भी ना बख्शा। अभी आप देख सकते हैं कि जुलाई का बिल 603 रुपये मौजूदा बिल है, जबकि 3217 रुपये टैक्स टोटल बिल हुआ 3841 रुपये, जबकि ये टैक्स खुद बखुद बिला वजह हम लोगों पे लगाया कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले। मौजूदा वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि मस्जिद का बिल फ्री होगा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फ्री होगी, आज़ाद कश्मीर को इसकी छूट है, रियायत है। लेकिन साथ ही अभी एक महीना भी नहीं गुजरा तो इस महीने माशाल्लाह बेशुमार टैक्सेस बिल में डाल दिए। क्या गरीब बंदे पर टैक्स देना लागू है? टैक्स तो उन लोगों पर लागू है जो बंदे इस्तेमाल रखते हैं, बिजनेस मैन है, कारोबार कर रहे हैं, टैक्स उन पे बनता है। गरीब लोग बिल दे या टैक्स दे, गरीब बंदे पे टैक्स किस बात का? जबकि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर मौजूदा सदर भी पीटीआई के हैं, वज़ीर बरकियात भी मीरपुर के हैं, स्पीकर साहब मेंबर के हैं, तो क्या हम कश्मीर के अपने ही लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं? क्या ये लोग बोलते नहीं जिन्होंने वोट लिए, यहाँ से कामयाबी हासिल की डिस्ट्रिक्ट मीरपुर और बिम्बर से, और अच्छी पोस्टों में खुद तैनात हुए? क्या आवाम की दाद रसी सुनना इनका काम नहीं है, इनकी मदद करना काम नहीं? अभी आप देख सकते हैं बिल्स में बाकायदा तौर पे मौजूदा बिल है 2725 रुपये, 2682 रुपये टैक्स। जितना बिल उतना टैक्स, जितना बिल कम होगा उतना ज़्यादा टैक्स बिलों में लिखा गया है। क्या ये गरीब लोगों के साथ ज़्यादती नहीं? ठीक है, लोगों ने वोट दिए, कहीं पर आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसे से वोट खरीदे नहीं खरीदे, लगाया नहीं लगाया, तो अब हम गरीब लोगों पर ये जुल्म तो ना करें। अब खुद ऐलान करते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट माफ़ है, तो फिर ये दोबारा क्यों बहाल कर दी गई? क्या आपके ऐलान दावे झूठे हैं? यह भी आप देख सकते हैं मौजूदा बिल है 2073 रुपये, 1664 रुपये जुर्माना टैक्स पड़ा, तो मौजूदा बिल 3913। अगर बात की जाए, तनासिब देखा जाए, इंसाफ की बात की जाए, तो ये नामुमकिन है। जिन लोगों का बिल कम है उनके टैक्सेस ज़्यादा हैं, टैक्सेस एक मकर्रा शरह से आयद भी नहीं किए गए, लिखे भी नहीं गए। अभी आप देख सकते हैं 1978 रुपये मौजूदा बिल है, और इसमें टैक्सेस हैं 2145 रुपये, मौजूदा बिल 4144 रुपये, जबकि हम टैक्स फ्री जोन एरिया में हैं। गरीब लोग हैं, बिम्बर मीरपुर आज़ाद कश्मीर की बिजली पानी से बनती है, फ्यूल पेट्रोल डीजल दूसरे जो इन पे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह डाली गई हैं, नीलम जेलम सरचार्ज और दूसरे डिफरेंट किस्म के जो चार्जेस डाले गए वो हम पे लागू नहीं होते, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने रही सही कसर भी निकाल दी। उन्होंने कहा कि गरीब लोग हैं तो हमारा और आवाम का तलक सिर्फ वोट लेने तक था, हमने वोट ले लिया, आवाम ने वोट दे दिया, अब वो कौन और हम कौन 5 साल बाद देखी जाएगी, फिर आएंगे वोट मांगेंगे और अपने काम की तरफ लग जाएंगे, अपना मतलब मफाद लेंगे। अभी आप देख सकते हैं 1231 मौजूदा बिल है, और जुर्माना डाल के 2951 रुपये बिल डाला गया। अभी आप देख सकते हैं ये क्या चार्जेस कम थे, ये भी आप देख सकते हैं चार्जेस लिस्ट, टैक्सेस अथराइज जो अथराइज GST 178, और इसके अलावा FCSUR सर्विस चार्जेस, बैंक चार्जेस, AKUAT, मतलब है हर तरह के टैक्सेस अवाम पे डाले गए हैं, कोई ऐसी शिक उन्होंने नहीं छोड़ी कि कोई शिक या बहाना, हर किस्म की शिक और बहाना लगा कि हम लोगों से टैक्स वसूल किए गए। क्या आया ये हम आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बिम्बर मीरपुर के लोगों के साथ ये इंसाफियाँ की जा रही हैं कि हम ही लोगों ने आपको वोट दे के कामयाब किया? वज़ीर बरकियात भी मीरपुर से हैं, सदर साहब भी मीरपुर से हैं, उनके और भी स्पीकर साहब बिम्बर से हैं, लेकिन क्या अवाम एहतजाज करे या इनके पास जाए? अभी आप देख सकते हैं कोई बंदा इस हक में, कोई लीडर इस हक में नहीं बोला कि ये बिल टैक्सेस माफ़ कीजिए या क्या किया जाए, सब छुपे में अपने कामों में मगन है। गरीब लोग सड़कों पे एहतजाज करेंगे तो फिर जाके कहीं सेटलमेंट होगी, ठीक है अभी आप जमा करा दें, नेक्स्ट देखी जाएगी ये वो,
इसी तरह टाइम पास हो जाएगा। अवाम ने वोट किस लिए दिए कि आपकी दादरसी आपको सहूलियात दी जाएँ, ये नहीं कि अवाम ने वोट दिए आपने लिए, कोई खारा कोई जीता, ठीक है, मतलब अपना निकल गया तो मौजूदा फिर 5 साल के बाद मिलेंगे। अवाम क्या, अवाम और लीडर का तलक सिर्फ वोट लेने के आता है या उनको सहूलियात प्रोवाइड करना भी है। माजरत अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, लेकिन हम कश्मीर के लोगों के साथ, मेंबर मिरपर लोगों के साथ बहुत बड़ी जुल्म ज़्यादती की गई है कि इतना बिल नहीं जितने टैक्स लगा दिए गए। अगर ये बंदा टैक्स कहाँ से दे, बिल बहुत मुश्किल से प्रोवाइड करता है, जमा करता है, लेकिन टैक्सेस की भरमार है।